For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. मसकली को छीन लिया है तारा सुतारिया और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने सोनम कपूर से और अभिषेक बच्चन से. अब ये क्या पूरी कहानी है, चलिए आपको बता देती हूँ. वेल हेलो गाइज, वेलकम टू मूवीज अड्डा, मैं हूँ ज्योति नाहक. बात की जाए अगर मसकली की, ये गाना आप सभी को याद होगा क्योंकि इस गाने में सोनम कपूर की मसकली अदाओं ने हर किसी को इम्प्रेस किया था. ये गाना मुझे भी बहुत पसंद है, बहुत ही एंटरटेनिंग, बहुत ही ज़्यादा लविंग. एआर रहमान सर का म्यूजिक है, लवेबल म्यूजिक. इस गाने का रिक्रिएशन आ चुका है, वो भी 2.0 वर्जन के साथ. जी हाँ, यानी कि टी सीरीज पर इसका टीजर आउट हो गया है, धमाकेदार टीजर है. और इस गाने की जो बीट्स हैं वो आपको सुनते ही आपके दिल में उतर जाएंगी. इस तरह की बीट्स यूज की गई हैं. जी हाँ, जो ओरिजिनल म्यूजिक है उसी की बीट्स हैं, लेकिन उसमें सचिन टंडन ने अपना भी फ्लेवर ऐड करते हुए इस गाने के टीजर को धमाकेदार बना दिया है. कुछ ही दिनों में ये गाना आने वाला है एंड आई एम श्योर कि तारा सुतारिया और सिद्धार्थ मल्होत्रा की जो अमेजिंग केमिस्ट्री हमें मरजामा में दिखाई दी थी वो ही इस गाने में नजर आने वाली है. और ये दोनों ही लोग बेहद खूबसूरत नजर आ रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो कहीं ना कहीं फैंस तो सुपर डुपर एक्साइटेड होने वाले हैं. और मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ इन दोनों के साथ ही इस गाने को ऑब्जर्व करने के लिए, इस गाने को रीलिव करने के लिए, क्योंकि एआर रहमान सर का धमाकेदार म्यूजिक वापस सुनने को मिलेगा. सो आप लोग को कितना पसंद आया टीजर? मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया. आई रियली लव द टीजर. जो म्यूजिक, जो बीट्स ऐड किए गए हैं, यूजुअली क्या होता है जो पुराने गाने होते हैं वो थोड़े प्लेन होते हैं पर सुनने में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब उसमें पुराने जमाने के गानों में जब नए जमाने का तड़का लग जाता है तो वो गाने और भी ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं. ऐसा ही कुछ इस गाने की बीट्स के साथ किया गया है. सो आई एम लविंग इट. लेकिन आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि आपको ये टीजर कैसा लगा और गाने के लिए कितने एक्साइटेड हैं. दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ.